चरक ने लिखा, दैव व्यपाश्रय भेषज अर्थात देवताओं की कृपा पर आश्रित औषधि कहा है। उसने लिखा है, तत्र दैव व्यपाश्रय मंत्र औषधि मणि मंगल बलि उपहार होम नियम प्रायश्चित तथा स्वस्त्यन प्रणिपात गमनादि चरक संहिता 1.11.54। दैव व्यपाश्रय उपचार वे हैं जिनमें मंत्र पढ़ना, प्याज सरसों जैसी औषधि को गले में लटकाना, जैसे आज भी गांवों में शिशु के गले में लटकाते हैं, मणियां शुभकारी अनुष्ठान आहुतियां उपहार हवन प्रतिज्ञा प्रायश्चित उपवास देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा विशेष सिर झुकाना और तीर्थों को जाना आदि शामिल हैं। ऋग्वेद में ऐसा इलाज करने वालों की काफी प्रशंसा की गई है। अनेक देवताओं की उनके चिकित्सा सामर्थ्य के कारण स्तुति की गई है, जैसे रुद्र की स्तुति करते हुए कहा गया है, हे रुद्र हमारे पुत्रों को औषधि द्वारा परिपुष्ट करो। मैंने सुना है कि तुम वैद्यों में सर्वश्रेष्ठ हो है। उन्नो वीरान अर्षय भेषजे भिर्भिषक्तमण त्वाभिषजा श्रेणोमि 2:33-4। सोम की स्तुति में कहा गया है, हे सोम तुम इस विश्व में बीमारों का इलाज करने वाले हो है। भिषक्ति विश्वन यत्तुरम 8:79-2। वरुण की स्तुति करते हुए कहा गया है, हे वरुण तुम्हारी सैकड़ों हजारों औषधियाँ हैं। शतंते राजन भिषजह सहस्रम 1:24-8। मरुत की स्तुति में कहा गया है, सुंदर दान वाले मरुतो अपनी औषधि ले आओ। सुंदर यज्ञ वाले मरुतो सिंधु नदी चिनाब नदी समुद्र और पर्वत में जो औषध है तुम वह सब औषध पहचान कर हमारे शरीर की चिकित्सा के लिए ले आओ। मरुतो जिस प्रकार रोगी के रोग की शांति हो उसी प्रकार बाधित अंग को जोड़ो। मरुतो मारुतस्य न आभेषजस्य वहता सुदानव यत सिंधो यत सिक्या यत समुद्रेशु मरुता सुबर्हिषः यत पर्वतेषु भेषजम् विश्वन पश्यन्तो विभृता तनुष्वा तेना नो अधि वोचत क्षमारपो मरुत आतुरस्य न इष्कर्ता विहुतं। पुनः 8:20-23-25-26 विश्वे देवों की स्तुति करते हुए कहा गया है कि उनके हाथ में जल औषध बन जाता है और वह सब रोगों का शामक होता है। आप इवा उभेषजिरापो अभीप चातनी आपह सर्वस्य भेषजिस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम् 10:137-6। वायु देवता की प्रशंसा करते हुए कहा गया है, वायु तुम इस ओर बहकर औषध ले आओ और जो अहितकर है उसे यहाँ से बाहर ले जाओ। तुम संसार के औषध रूप हो, तुम देवदूत हो। आवात वाही भेषजम विवात वाही यदर्पह त्वन ही विश्व भेष जो देवाना दूत इयते 10:137-3। ब्राह्मण को चिकित्सा कार्य कदापि नहीं करना चाहिए क्योंकि चिकित्सक भिषक अपवित्र होता है। ते देवा अब्रुवन अपूतो वेमो मनुष्यचरो भिषजो इति तस्मात् ब्राह्मणेन भेषजम न कार्यम अपूतो हेशोमेध्यो यो भिषक यजुर्वेद 33 संहिता 6:4-9। यजुर्वेद से यह भी पता चलता है कि तब तक चिकित्सा के देवता अश्वद्वय का बहिष्कार हो चुका था। चिकित्सक को बलि का पशु भी बनाया गया। यजुर्वेद में जहाँ पुरुषमेध भिषजम यजुर्वेद 30:10 अर्थात पवित्र के लिए भिषक चिकित्सक की बलि दे, इसके बावजूद लोगों ने बीमारियों से छुटकारा पाने के प्रयास जारी रखे। अथर्वन ऋषि के वंशजों ने इस दिशा में कुछ प्रगति भी की। ऋग्वेद काल में तो केवल मंत्रों से झाड़फूंक होती थी। प्राचीन भारत में इतना सब कुछ होने पर भी आयुर्विज्ञानियों की एक परंपरा मिलती है, लेकिन यह परंपरा अवैदिक लोगों की है जिनमें शामिल हैं व्रात्य चार्वाक और बौद्ध। इस परंपरा ने आयुर्विज्ञान का विरोध करने वाले पुरोहित पर भरपूर गोलाबारी की। पुरुषस्य चरोषस्य हिंसायाः तस्करस्य च आद्याक्षराणि संग्रस्य वेधाश्चक्रे पुरोहितम् अर्थात पुरीष मल रोष क्रोध हिंसा और तस्कर के आदि अक्षरों को एकत्र करके विधाता ने पुरोहित की रचना की है। जब बौद्ध क्रांति को प्रतिक्रांति द्वारा दबा दिया गया तब पुनः ब्राह्मणवाद ने सिर उठाया और पहले से चली आ रही आयुर्विज्ञान की अवैदिक परंपरा का मूलोच्छेद कर उसके प्रति जनरुचि नष्ट करने का हर संभव प्रयास किया गया। क्योंकि चिकित्सा ब्राह्मण पुरोहित के उस दार्शनिक महल की नीम कर्म सिद्धांत पर वज्राघात करती थी जो कहता था कि बीमारियां पिछले जन्म के दुष्कर्मों के दंड स्वरूप पैदा होती हैं। गरुड़ पुराण के कई अध्यायों में बड़े विस्तार से बताया गया है कि पूर्व जन्म में कौन सा पाप करने के दंड स्वरूप अगले जन्म में कौन सी बीमारी होती है। अब 5 के कुछ श्लोक प्रस्तुत हैं।
ब्रह्माक्षयरोगी स्यात्, कन्याघाती भवेत्, कुष्ठी दुष्चर्मा, गुरुकल्पक, मांसभोक्ता, तिरक्तांग, श्यावदन्तस्तु मद्यपः, अभक्ष्य भक्षको लौल्याद्, ब्राह्मणः स्यान् महोदरः, श्राद्धेन्नं शुचे दत्त्वा, चित्रकुष्ठी प्रजायते, गुरोर्गर्वणावमानात्, पस्मारी भवेन्नरः। निंदको वेद शास्त्राणा पांडुरोगी भवेद, ध्रुवम, गरुड़ पुराण 5:3-7, अर्थात ब्राह्मण का हत्यारा क्षयरोगी होता है, कन्याघाती कोढ़ी होता है, गुरु की पत्नी से संभोग करने वाला चर्मरोगी होता है, मांसाहारी अति रक्तांग कुष्ठ विशेष होता है, शराबी व्यक्ति के दांत काले हो जाते हैं, भक्ष्य भक्ष्य का ध्यान न रखने वाला जलोदर रोगी होता है, श्राद्ध में अपवित्र अन्न परोसने वाला फुलबहरी ग्रस्त होता है, गर्व से गुरु का अपमान करने वाला मिर्गी का शिकार होता है, वेदों और शास्त्रों का निंदक पीलिया रोग से ग्रस्त होता है, चिकित्सक औषध से इन रोगों को दूर करके उस दंड में हस्तक्षेप करता था, इससे कर्म सिद्धांत झूठा सिद्ध होता था और उस सिद्धांत का प्रचार करने वालों की रोटी रोजी प्रभावित होती थी, लेकिन पुरोहित की रोटी रोजी रहे या न रहे इससे रुग्ण व्यक्ति को क्या लेना देना। पुरोहित के एड़ी चोटी का पसीना एक करने के बावजूद जब लोग चिकित्सा से विमुख न हुए तो पुरोहित ने पैंतरा बदला। उसने दोधारी नीति अपनाई, एक तो उसने दैव व्यपाश्रय भिषक अर्थात अपनी पुरोहित ब्रांड चिकित्सा को अचूक चिकित्सा घोषित किया, दूसरे उसने चिकित्सक पर अपना गलबा डालने की कोशिश की, एक उसने व्रत तीर्थयात्रा दान आदि से रोगों के दूर होने के सब्जबाग दिखाने शुरू किए। स्कंद पुराण में कहा गया है कि सोमवार को व्रत करने तथा सब प्रकार के अनाज पुरोहित की भेंट चढ़ाने से सब व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। प्रथम सोमवारस्तु पूजेत तन्नक्तेन अन्नानि यान्यभीष्टानि तानि सर्वाणि दापेत आरोग्य जायते। जयसिंह कल्पद्रुम प्री 850 पर उद्धृत भविष्योत्तर पुराण में शुक्रवार के व्रत को आयु बढ़ाने वाला एवं आरोग्यप्रद कहा है। आगे कहा गया है कि यदि व्यक्ति ब्राह्मणों को संतुष्ट करे, शुक्र देवता की सोने की मूर्ति बनवाए, उसे चांदी या कांसे के पात्र में रखकर और सफेद कपड़े में लपेटकर ब्राह्मण को दान करे तो उसकी आयु बढ़ेगी तथा उसके रोग नष्ट हो जाएंगे। पूर्वोक्त क्रमयोगेन द्विजाना तर्पणेन्तु सप्तमे त्वत् संप्राप्ते सवर्ण कार्येत सितम रौपय वा कांस्य पात्रे वा स्थापित्वा भृगोः सुतं संपूज्य पर्या भक्त्या श्वेतवस्त्रानुलेपनेह दह्याद् ब्राह्मणाय हत्वा प्रहकृतान् दोषानायुरारोग्यदो भव। स्कंद पुराण का कहना है कि शनि ग्रह के कारण पैदा होने वाली व्याधियों को नष्ट करने के लिए शनि की लौ प्रतिमा बनाकर उड़द्धात तिल लोहा दक्षिणा काली गाय अथवा काला बैल ब्राह्मण को देह भक्त्योपचारय संपूज्य प्रतिमा लोहजा मम माशोदन तिलैर मिश्रण दद्या लोह च दक्षिणाम कृष्णा गा वृषभा वापी दद्याद विप्राय धीमते। नेत्र रोग और कुष्ठादि चर्म व्याधियों के नाश के लिए रविवार को व्रत रखा जाए। ब्राह्मण दंपति को भोजन कराकर यथाशक्ति लाल वस्त्र फल एवं दक्षिणा से उसे प्रसन्न करें। रक्त में विकार से उपजने वाली तकलीफों फोड़ा फुंसी उठाव आदि को शांत करने के लिए मंगलवार को व्रत करें। गुड़ पीले लड्डू तथा लाल वस्त्र दान में दें। पुरानी बीमारियों को दूर करने के लिए शनिवार को व्रत करें। 19वें शनिवार को जूते जुराब नीले रंग के वस्त्र काले माश उड़द चाकू तेल निर्मित वस्तुएं वृद्ध ब्राह्मण को दें। ज्वर और कुष्ठ आदि शरीर तथा आगंतुक चोट आदि से उत्पन्न व्याधि के नाश के लिए रविवार को ब्राह्मण की पूजा करके उसे घृत गुड़ नमक और सुवर्ण का दान करें, जो सोमवार को ब्राह्मण के लिए उपतन देता है वह सब रोगों से छूट जाता है। आश्विन के महीने में गोरस गाय का घी दूध और दही तथा अन्न देने वाला सब रोगों से छुटकारा पा जाता है। जिस नक्षत्र में रोग पैदा हो उसी शुभ नक्षत्र में स्नान करे तथा बलि दे। अग्निपुराण 280/2-5। हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में चिकित्सा विज्ञान की कमी और काला जादू को उपचार के रूप में प्रसारित करने की विचारधारा आज भी अनेक लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह एक विचारधारा है जो आधुनिकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भिन्न है, जो चिकित्सा विज्ञान के आधार पर रोग और बीमारी के उपचार पर निर्भर करती है। हिंदू धर्म के ग्रंथों में अनेक पुरानी कथाओं व्रत त्योहारों और ज्योतिष विज्ञान से संबंधित तत्व हैं, जो चिकित्सा विज्ञान के वैज्ञानिक तार्किक तत्वों से अलग हैं।
धार्मिक ग्रंथों में अक्सर बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के व्यक्तिगत अनुभव और आध्यात्मिक आश्रय पर जोर दिया गया है। इसके कारण धार्मिक ग्रंथों में चिकित्सा विज्ञान की वैज्ञानिक आधार पर गलत धारणाएं और अंधविश्वास प्रचलित हैं। धार्मिक ग्रंथों में कई बार तांत्रिक और आध्यात्मिक विधियों का उल्लेख होता है।